हाँ दोस्तों, ये पंचर मशीन लेके आया था मैं, ये न्यू वाली। ये थोड़ी हैवी है, वो अपनी एक D3 थी उससे थोड़ी हल्की क्वालिटी की है। बाकी की ये बहुत अच्छी मशीन है, ये बीनस कंपनी की है। ये देखो, ये बीनस कंपनी की मशीन है दोस्तों, ये बहुत अच्छी मशीन है। थोड़ी वेट में भी अच्छा है, 8 किलो के समथिंग की है ये। तो इसकी फिटिंग मैंने की है तो आप लोग देखना दोस्तों। और इसके साथ में ना ये आया है, दबाव होता है जो इसके साथ आता है। क्या मैं बिजनेस का ही ज़्यादा माल चला रहा हूँ तो मैंने सोचा कुछ बिजनेस की मशीन बुला के देखूँ। ये क्या दोस्तों, इसको मैंने फिटिंग कर दी है नट पे कस के, और ये कि इधर पे, और ये अपनी पुरानी अपने हाथ की बनी हुई मशीन है ये। तो ये कि ये कस दिया अपन ने इसको, और इसको फिक्स कर दिया। क्या पहले मेरे पास 6 मशीन बनवाई थी मैंने ये वाली, तो ये 6 बिग्गी से मेरे पास 2 मशीन बची हुई है, तो अब मैं इनको खुद ही उपयोग कर रहा हूँ। बाकी कि ये दोस्तों मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें टूट फूट होने का कोई चांस नहीं है, ये अपने हाथ की बनी है तो ये, और ये लोहे की है टोटल। लोहे पर क्या ये रिपेयर हो जाती है ना, जब अपन को रिपेयर करना है तो ये रिपेयर हो जाती है, और इसमें कोई टूट फूट वैसे होनी भी नहीं है अभी तक। क्या लाने ले जाने में या कुछ पटकने में टूटती है, लोहे टूटता नहीं है। और ये भीड़ क्या होती है, भीड़ टूट जाती है ना, तो कोई मतलब नहीं है उसको रिपेयर कराने से। क्योंकि एक मशीन में लेके आया था, आपने देखा होगा वीडियो, वो वाली है टूट चुकी है मेरी, उसमें वेल्डिंग नहीं हो रही है। क्या भीड़ पर वेल्डिंग नहीं होती है दोस्तों, होती है लेकिन वो वेल्डिंग सही चलती नहीं, क्रैक हो जाती है, पता नहीं कौन सा धातु होता है वो दोस्तों। बस ये किया है, और ये अपनी ये रखी है, ये दोनों क्या मैंने गैस पे गर्म करता हूँ, और ये बिजली की है। खास तो करके मैं इस पर नलकी पकाता हूँ, क्या नलकी पकाने के लिए ना थोड़ी हीटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इसको मैंने ऑटो कट नहीं लगाया, इस पर पहले लगाया था तो लेकिन ऑटो कट निकाल दिया मैंने, और इस पर ऑटो कट लगा हुआ है। तो ये क्या ओवर हीटिंग के लिए बढ़िया है, तो ये देखो ओवर हीटिंग हो जाती थी, ये पिघल जाती है, ये इसका बल्ब लगाता ये, तो ये पिघल गया है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करा करें। तो दोस्तों इसकी फिटिंग मैंने कैसे की है और इसका ऑटो कट कैसे सेट किया है, तो आप लोग, हालांकि मैंने दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, और जिसने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाके देख लेना कि ऑटो कट को कैसे सेट करते हैं। बाकी दोस्तों इसमें पंचर क्वालिटी अच्छी आती है, क्योंकि बिजली से पंचर जो पकता है तो उसकी क्वालिटी हटके रहती है, और पंचर अच्छा चलता भी है। ठीक है दोस्तों, पूरा जरूर देखें दोस्तों, इसकी फिटिंग वगैरह मैंने की है और ऑटो कट सेट किया है, तो उसको ज़रूर देखें दोस्तों।
ये देखो दोस्तों, ये पंचर की क्वालिटी है। हाँ, क्या है, ये न्यू पंचर मशीन है ना अपनी, तो इसमें किस इस टाइप की क्वालिटी आती है, बिल्कुल एकदम झकास दिखता है पंचर, क्योंकि मशीन की प्लेट जो रहती है बिल्कुल क्लीन रहती है। तो देखो पंचर की क्वालिटी कितनी आई है। तो दोस्तों जैसे ये ऊपर उठता है ना पंचर, तो उसका एक है इसमें रबड़ कम रखेंगे तो ये ऊपर नहीं उठेगा, बाकी ऊपर उठेगा तो अच्छा चलेगा पंचर, सर्विस अच्छी देगा। और ये अपनी पुरानी वाली मशीन का है और ये न्यू मशीन का है। क्या दोस्तों, ये नई वाली पंचर मशीन जो है बिल्कुल क्लीन है ना, और जो पुरानी वाली है ये थोड़ी रफ हो गई है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं वीडियो आप लोग।